काश मैं दौरे पयंबर में उठाया जाता, काश मैं दौरे पयंबर में उठाया जाता, बाखुदा कद। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आल इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद, अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहिम व अला आल इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे कलमातुल्लाह के बारे में। कलमातुल्लाह है क्या है? अल्लाह तबारक व ताला के ज़ाती नाम भी उन्हीं के कलमात हैं और उन्हीं से ज़ाहिरन और बातिनन इस्तफादा किया जा सकता है। इसके अलावा अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों के अपने नाम जो अपने प्यारों को दिए गए हैं उनकी भी अपनी एक तासीर है और उनको भी कलमात रब्बी कहा गया है। वो कलमात जिनका ज़िक्र सूरह कहफ में है कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनके उन कलमात उन नामों का इतने फ़ज़ाइल हैं कि अगर उनके नामों जो उनके महबूब नाम हैं, महबूबों के नाम हैं, उनको भी अगर पढ़ा जाए या उनको लिख के रखा जाए तो उससे भी शिफाया असरात मुरतब होते हैं। ऐसे ही जैसे कि सूरह कहफ में असाब कहफ के कलमात हैं, असाब कहफ का तज़किरा है, असाब कहफ के नाम नहीं बताए गए क्योंकि वो बनी इसराइल की तरफ आए थे। उनके नाम आपको बनी इसराइल के कल्चर और उनके कुतुब में सेवन स्लीपर्स के नाम से मिलेंगे, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो कि पॉपुलर हैं, हर मज़हब और मिल्लत के लोग उन नामों को जानते हैं, उनकी ताज़ीम करते हैं और उन नामों के अपने असरात हैं। जैसा कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक बेशुमार मंत्र बेशुमार अजीमतें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के नाम से मुरत्तबें और बेशुमार अजीमतें बेशुमार अहमाल हज़रत सिकंदर ज़िलकरनैन के नाम से मुरत्तबें। इसी तरह अंबिया अलैहिस्सलाम के अस्मा जन्मे मूसा अलैहिस्सलाम का नाम तमाम मज़ाहिब के लोग बनज़र एहतराम देखते हैं, चाहे वो हिंदुओं मुस्लिमों सिखों ईसाइयों यहूदियों, तमाम मज़ाहिब के लोग मूसा अलैहिस्सलाम के नाम को जानते हैं, उनकी ताज़ीम करते हैं। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम का इस्म मुबारक भी जो है कुरान मजीद फुरकान हमीद में ज़िक्र किया गया है, उसके भी बहुत सारे लोग जो हैं उसको जानते हैं, उसकी ताज़ीम करते हैं और उनसे ज़ाहिरन और बातनन इस्तफादा करते हैं। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का इस्म मुबारक है, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम का, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का, ये उन
बड़ी मुकद्दस अजीमुल मर्तबत हस्तियां अंबिया इकराम और मुरसलीन जो हैं उन्हीं की असमा हैं जिनकी अपनी एक तासीर है, और वो नाम वो असमा जो अल्लाह ताला ने औलिया इकराम के नामों के साथ मशहूर कर दिए और अपने अपने मखलूक के ज़बानों पे वो नाम उनके ऊपर जारी कर दिए उनकी ज़बानों पे, उनका भी एक तासीर और उनका एक असर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हज़रत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का इस्म मुबारक अली है और आपका ताल्लुक हजवेर शरीफ से है, लेकिन आपका जो उर्फ़ आम में जो नाम मशहूर हुआ और मखलूक़ात खुदा की ज़बान पे जो जारी हुआ वो दाता गंज बख्श हुआ। इसी तरह किसी बुज़ुर्ग का नाम नौशाह गंज बख्श हुआ, यानि उसको भी गंज बख्श का अल्लाह ताला की तरफ से खिताब लोगों की ज़बान पे जारी किया गया। इसी तरह हज़रत बाबा फरीद मसूद शकर गंज रहमतुल्लाह अलैह का इस्म मुबारक असल जो है मसूद है, लेकिन उसका जो नाम मुबारक लोगों के ज़बान पे जारी है आज तक वो बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह से मशहूर है। लोगों को मसूद का नाम कम याद है तालीम के हिसाब से, लेकिन बाबा फरीद के नाम से उनका इस्म मुबारक उनको जारी है। इसी तरह बहुत सारे लोग गौसुल आज़म का गौसुल आज़म के नाम से मशहूर है, और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम जो था वो भी अली था, तो आपका नाम अली संजरानी है, लेकिन सैयद अली संजरानी रहमतुल्लाह अलैह का जो मशहूर नाम मुबारक हुआ वो मोइनुद्दीन, और मोइनुद्दीन चिश्ती सुल्तानुल हिंद ये अलकाबात मशहूर हुए। इन अल्फाज इन नामों इन इन इनका एक असर होता है। इसी तरह चारदा मासूमीन में जो जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्मा हैं उनके अस्मा के भी जो हैं तासीरात हैं, और चारदा मासूमीन में सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के अस्मा हों या दूसरे अस्मा हों उनके अपनी अपनी तासीरात हैं और उनको कलमातुल्लाह कहा गया है। और इसी तरह कुछ कलमात तामत यानि वो नाम जो खुफिया हैं जिनसे हम लोग वाकिफ नहीं हैं वो भी अपनी जगह पे मखसूस हैं। इन के नामों से रूहानी इस्तमदाद ली जा सकती है और इससे बंदश को भी खोला जा सकता है और दूसरे मसाइल को हल भी किया जा सकता है। हमारे 12 अइमा अलैहिस्सलाम के जो नाम हैं उनमें भी मोहम्मद अली हसन हुसैन और ज़ैनुल आबदीन बाकर अलैहिस्सलाम जाफ़र मूसा यही नाम है। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये दरअसल इन अस्मा की तासीरात के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, उनसे रूहानी इस्तमदाद किस तरह से ली जाती है और उनके क्या क्या फ़वाद हैं। तो उनकी तरफ से इनको कलमातुल्लाह भी कहा गया है, और कलमातुल्लाह या कलमात रब्बी जो हैं ये हैं, और इनकी सना इनकी तारीफ़ के लिए कहा गया है कि इनके जो हैं अगर तारीफ़ की जाए तो उनके को ज़बान से बाहर है, यानि तारीफ़ करने के हम जो हैं लायक नहीं हैं, अल्लाह ताला के महबूब हैं। और उनमें से आज हम बात करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस्म मुबारक के बारे में कि मूसा अलैहिस्सलाम का इस्म मुबारक क्या है और उसके क्या फ़वाद हैं। तो मशहूर इस्म मुबारक जो है मूसा है,
एक किस्म की इस्तखारा है, एक किस्म का कशफ है। एक मशहूर किस्म का कशफ अमल या इस्तखारा उसे कहा जाता है। मिसाल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ या अक्षफनी फी मनामी, अक्षफनी फी मनामी, फी मनामी यानी मुझे नींद में मुतल्या कर, कुछ ही चीज़ का सवाल का जवाब लेने के लिए। अक्षफनी फी मनामी, अब यहाँ से लिखा जाता है या रब्बे मूसा या रब्बे जिब्रील या रब्बे इसराफील या रब्बे मीकाइल या रब्बे इज़राइल। या रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस तरह से इस इबारत को लिखा जाता है और फिर इसको बेहक कह के हम जो है इसको या अलीम या खबीर या रशीद या हादी, किसी भी इस्म को उस बेहक के साथ बनाएंगे तो ये अमल बन जाएगा और आपको आपके सवाल का जवाब, आपके सवाल के जवाब का हल बजरिया कशफ ख्वाब में दिखाया जाएगा। आपके ऊपर चाहे सहर व जादू हो, आपके ऊपर चाहे नज़र बद हो, जो भी असरात हों तो उन सब को, सब बद असरात को जो है उसके बारे में और उसके इलाजात के बारे में इससे बताया जाता है। ये एक अमल हो गया। अब मैं इसकी तादाद जो पढ़ी जाती है, इसकी तादाद नाम के मुताबिक पढ़ी जाती है, नाम के एदाद के मुताबिक। नाम मैं वालदा के एदाद के मुताबिक, दरू शरीफ अवल आखिर आयतल कुर्सी सूरह फातिहा लाजमन पढ़ना है। इन कलमात रबी से, इन कलमातुल्लाह से अल्लाह तबारक व ताला के दूसरे काम जो हैं, दूसरे जो आपके मसाइल हैं, इन नामों से हल किए जाते हैं। अगर आप अक्षफनी कहेंगे तो आपको नींद में दिखाया जाएगा, जिस तरह की आप इबारत बनाएंगे उसी तरह का आपको जवाब मिलेगा। सबसे पहले या हादी या ज़ाहिर या मुबीन या नूर या अलीम या आलिमुल ग़ैब, इस तरह के अस्मा जो हैं, या खबीर या रशीद, इस तरह के अस्मा जो हैं आपके सवालात के जवाबात देने के लिए होते हैं, जिसमें आपको आपके मसाइल का हल दिखाया जाता है। या इसे हम इस्तखारा कह सकते हैं, इसे हम कशफ कह सकते हैं, यानी आपका सवाल का जो जवाब है वो इस तरीके से मिलेगा। इसी तरह एक दूसरा अमल जो है मारूफ अमल है,
हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का इस्म मुबारक जो है वो असल और है, लेकिन जो मशहूर इस्म मुबारक जिसका कुरान मजीद में तज़किरा है और जिसके रूहानी फ़वाद हैं वो मैं बयान करता हूँ, और उससे क्या होगा जिन लोगों के भी कारोबारी तिजारती बंदश हो, रिज़्क़ की बंदश हो, किसी किस्म की बंदश हो, तो चाहे वो सहर व जादू की बंदश हो, चाहे वो नज़र बद की बंदश हो, चाहे गैबी मखलूक की बंदश हो, चाहे वो ज़ाहरी मखलूक की तरफ से बंदश हो, सब बंदशों को वो तोड़ देगा एक ऐसा अमल, एक ऐसी हकीकत जिसको समझने की बात है काबिले कदर। जो भी मेहरबान, जो आमलीन है, जो आमलीन नहीं है, वो इसकी कदर करेंगे और इसको समझेंगे। खिज़र लफ्ज़ का मतलब है हरा, हरा, सरसब्ज़, सब्ज़, बाग बहार और सब्ज़ाज़ार। तो ये इस्म मुबारक जो है इसकी तासीर में खुशहाली है, इसकी तासीर में बंदशों की खोलने की तासीर है, कारोबारी बंदश हो, रिज़्क की बंदश हो, किसी किस्म की बंदश हो, किसी किस्म की नौसत हो, तो उसको जो है इससे खोला जाता है। खिज़र अलैहिस्सलाम का जो नाम है, खिज़र अलैहिस्सलाम के नाम का मैंने चौकी भी बताई थी कि जुमे के दिन उसका निज़ाम होता है, तो वो चौकी का अगर अमल करते हैं तो बेहतर है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, आप बहुत मसरूफ़ हैं, आपको जगह का मसला है, आपको वक्त नहीं मिल रहा, तो फिर आप एक छोटी सी तस्बीह कर लें खिज़र अलैहिस्सलाम के नाम की। खिज़र अलैहिस्सलाम की बाबरकत नाम से आपकी बंदश खुल जाएगी, आपका सहर व जादू आपके ऊपर जो किया गया है वो टूट जाएगा, आपकी बदकिस्मती खुशकिस्मती में तब्दील हो जाएगी। जिस तरह का भी आप लोगों को मसला है वो सारे मसाइल इससे हल हो जाते हैं। तो बात करते हैं, इसमें सिर्फ खिज़र अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि कुरान मजीद में आपके साथ मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा आता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के इस मुबारक की माना जो है, मानी जो है, मीनिंग जो है, मतलब है, वो है बहता, पानी में बहता हुआ, चलता हुआ, रवानगी। यानि ये इस मुबारक भी बंदशों को तोड़ता है, मुश्किलात को हल करता है। अहादीस किराम में आपकी वालदा मोहतरमा का नाम अगर पढ़ा जाए तो भी बंदशें टूट जाती हैं, और आपके वालदा माजिदा का नाम योकब्ड है, योकब्ड आपकी ना वालदा मोहतरमा का नाम है। तो अगर हम इसको एक अमल के सूरत बना के पढ़ेंगे तो वो बंदश लाजमन टूट जाएगी, और उनके महबूब, अल्लाह ताला के महबूबों के आसमा हैं, तो उनकी बरकत से ज़रूर बिलज़रूर लोग सब जो हैं इस्तफादा करेंगे। चाहे शादी की बंदश हो, रोज़गार की बंदश हो, सेहत की बंदश हो, कारोबार की बंदश हो, तिजारत की बंदश हो, इज़्ज़त की बंदश हो, जिस किस्म की भी बंदश हो, सब बंदशों को तोड़ देगी ये जो अमल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इस तस्बीह को पढ़ें और इसको नोट कर लें, और इसे आम नहीं समझें, अगर आपको समझ में आता है तो। और इसके इस नाम मुबारक का जो अमल है वो लाजमन जो है पढ़ें और ईसा अलैहि सवाब करें। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, अम्बिया इकराम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
और न्याज का भी एहतमाम करें तो अमल मुबारक है। अक्सनी या रब्बे खेजर या रब्बे मूसा बिन योकब्ड, अगर इस तरह नहीं लिखे यहाँ तक भी हो जाएगा क्योंकि इस इसम में रवानी है, इस इसम में जारी करने की सलाहियत है। इसको इस तरह से पढ़ना है और अक्सनी या रब्बे खेजर या रब्बे मूसा बेहक्के या बासित या बुदू, अवल आखर दरूर शरीफ। तरीका इसका ये है, दरूर शरीफ अवल आखर अवल आखिर 11-11 मरतबा और इसके साथ सूरह फातिहा आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के बाद में इसकी तस्बीह की जाए और इसकी तस्बीह जो है अपने नाम के तादाद के मुताबिक पढ़ें, अपने नाम के तादाद के मुताबिक पढ़ें तो इसकी बरकत से आप लोगों के सारे जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे और इसका जो न्याज होगा, जो सदका होगा, सदका या जो न्याज होगा बुज़ुर्गों का या अम्बियों का जो न्याज होता है, तो इनका जो न्याज होगा, जो इनके लिए फातिहा खुवानी होगी, जो ईसा ले सवाब होगा, वो आपको दरिया में डालना होगा। और जो आप अपनी तरफ से अलहदा से दौरान अमल सदका वगैरह देखते हैं या निकालते हैं तो वो भी आपको पानी में डालना है। और अगर अलहदा से आपको ख्वाब में कोई चीज़ दिखाई जाए या बताई जाए, या बता रहा हूँ ये अमल सहर व जादू को तोड़ने के लिए है और सहर व जादू के तोड़ने के लिए बतल अल सहर या रब्बे पीछे या रब्बे खेजर या रब्बे मूसा। अब इसको जो पढ़ना है वो बैक लगा के और इसका जो अमल बनेगा वो बनेगा इस अमल के पढ़ने से बतल अलसर या रब्बे मूसा या रब्बे खजर या रब्बे मूसा बेअक सजायु ले जरई जौसन मनुअन आलमन तो यसूनन सलीखन मलीखन या कयूमन। ये इस इबारत को एक तस्बीह पढ़ना है कम अज़ कम 111 मरतबा या अपने नाम मरीज़ के नाम, मरीज़ मैं वालदा के नाम, नाम के तादाद के मुताबिक दरूद शरीफ आयतल कुर्सी चारों कुल पढ़ के हिसार करके और फिर इसको पढ़ने से आपका जो सहर व जादू है वो बातिल हो जाएगा और उसको पानी पे दम करें और उसके जो है अंसर के मुताबिक इलाज करें तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। या रब्बे खजर या रब्बे मूसा बेअक सजायुल जरई जौसन मनुअन आलमन तो यसूनन सलीखन मलीखन या कयूमा।
ये इबारत है, इसके पढ़ने से सहर व जादू बातिल होता है और इन अस्मा को असाए अस्मा मूसा अलैहिस्सलाम कहा जाता है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के लाठी कहा गया है। ये सहर व जादू के तोड़ने के लिए, आप लोगों को पता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे जिन नामों का नज़ूल हुआ था जिससे फिरौन से के जादूगरों से मुकाबला किया था, वो ये इबारत सजायुल ज़रा जोसन मनवन आलमन तो यसुनन सलीखन मलीखन या कयुमा, तमाम कुतुब में आपको इनकी इबारत मिल जाएगी। आपको इस इबारत को इस तरतीब से करना है, बतल अलसर या रब खज़र या रब मूसा बेहक, और फिर ये पूरी पढ़ के और इसका जो न्याज है वो आपको पानी या दरिया में डालें या अपने अंसर के मरीज़ के अंसर के मुखालिफ अंसर में डालेंगे तो उसका इलाज हो जाएगा। दौरान ख्वाब में आपको कोई सहर जादू करने कराने वाला उसका कोई इलाज या कोई सदका अगर दिखाया जाए तो लाजमन उसको अदा करें, तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तफादा करेंगे। ये एक सीरीज़ है, मैंने अभी थोड़े से अमाल किए हैं और बहुत सारे और भी अल्लाह ताला के महबूबों के अस्मा हैं, उनकी तासीरात हैं, उनके अमाल हैं, जिनको अगर आप करेंगे तो फ़ायदा होगा। ये वलीला से लेके आम आदमी तक कर सकता है, आम आदमी से लेके ख़ास आदमी तक, गुनाहगार हो खताकार हो सवाबगार हो जो भी है, सब लोग इसको कर सकते हैं। मेरी तरफ़ से सबको इजाज़त है। सिलसिला कादरिया के जितने भी अमाल हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको जो मेरे मुर्शिद करीम हैं उनकी न्याज का एहतमाम किया करें, ग्यारहवें शरीफ का एहतमाम किया करें, तो हमारी तरफ से आपको इजाज़त है। लेकिन और मखसूस जिन बुज़ुर्गों के आप कर रहे हैं तो उनके लिए भी ईसाल सवाब लाजमन किया करें, उनकी न्याज का एहतमाम किया करें। अल्लाह ताला फजल करेगा। खुदा हाफिज़।